हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं ब्यूटी खान के साथ। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी तेज़ी से लाइक्स एंड व्यूज बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि देख सकते हैं भाई ने वीडियो अपलोड किया था, काफ़ी अच्छे खासे लाइक्स एंड व्यूज बढ़ रहे हैं। ये आपको पता ही होगा यदि आप टिकटॉक यूजर है तो, क्योंकि टिकटॉक पर ब्यूटी खान काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। इसलिए इस तरह के वीडियो बनाएंगे तो आपके वीडियो पे भी काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनवास्ट एप्लीकेशन और दो वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ वीडियो को शूट कैसे करना है और एडिट कैसे करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस का आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद जो आपने वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। इसके बाद भी आपके वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचे के निशान पे क्लिक करेंगे, यदि लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे, राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो ट्रिम टू राइट करेंगे। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले रिमूव कर देना है। तो मैं फाइनली वीडियो को प्ले कर दिखाता हूँ आपको, वीडियो कुछ इस तरह से शूट करना है। मैंने वीडियो टिकटॉक के साउंड से ही वीडियो को शूट किया था और इस वीडियो को प्राइवेट में अपलोड कर दिया था, तो आप भी चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट में आना है, आपको देखना है कहाँ से आपका वीडियो कुछ इस तरह से एडिटिंग कर रहे थे, आपको सेम इस प्रकार ही देखना है, ठीक है। इस पोजीशन में जैसे ही आते हैं ध्यान रखना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक इमेज का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद क्रॉप पे क्लिक करना है और इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और कुछ इस तरह से इसे आपको एडजस्ट कर लेना है। आपको ब्यूटी खान का फोटो को सेंटर में कर देना है, इसको आप डन करेंगे। इसे आपको कुछ इस तरह से हल्का छोटा कर देना है और कुछ इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगेन आगे की तरफ लेकर आएंगे और इस पोजीशन में जैसे हम खड़ा हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको कहाँ तक रखना है मैं दिखाता हूँ, यहीं तक का आपको सीन चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसके बाद लेयर पे आएंगे, इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट करेंगे, इस इमेज पे क्लिक करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट में आते हैं, इसके बाद की पे क्लिक करेंगे, लास्ट पोजीशन में मेरे को आ जाना है और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से नीचे की तरफ आपको कर देना है, इसके बाद डन करना है। तो सिंपल जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। ये इमेज जैसे ही आपको ख़त्म होगा तो सेकेंड इमेज फिर से लेके आना है, फिर इस पोजीशन में आना है, ध्यान रखना है, इस पोजीशन में आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक और इमेज का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद क्रॉप पे क्लिक करेंगे, इनेबल करेंगे और इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना है और बिल्कुल आपको इसे आपको सेंटर में कर देना है। इसके बाद डन करते हैं, डन करने के बाद इस इमेज पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से आपको हल्का छोटा कर देना है, तो आपको ध्यान से क्रॉप करना है, मैं क्रॉप सही से नहीं कर पा रहा हूँ, तो लगभग यहाँ पे क्रॉप सही से हो चुका है। फिर इमेज पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से हल्का इसे छोटा कर देना है। इसके बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट करना है, आगे की तरफ लेकर आना है, ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट करेंगे, सिस्टम क्लिक करते इमेज पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, आगे की तरफ ले करेंगे, जैसे जैसे देख सकते हैं आपका इमेज आगे पीछे हो रहा है हाथ, तो कुछ इस तरह से क्लिक करेंगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, फिर आगे की तरफ ले कराएंगे, फिर इमेज के क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर इस तरह करेंगे, फिर नीचे की तरफ करेंगे, ध्यान रखना है, काफ़ी ध्यान से आपको इमेज को क्लिक करना पड़ेगा। प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, अगेन आगे की तरफ ले कराना है और इमेज को कुछ इमेज को आपको हल्का बड़ा छोटा भी करके एडजस्ट कर सकते हैं, और कुछ इस तरह से आपको छोटा के नीचे की तरफ कर देना है, ठीक है। डन करेंगे, हमारा इमेज यहाँ पे एडिट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी साउंड को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देंगे, वीडियो पे क्लिक करेंगे, डिलीट कर देना है। इसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट ऑफ कर देना है। शेयर पे क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।